नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। बिहार के शैक्षणिक संस्थान अब जल्द ही खुलने वाले हैं। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खुलने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हालांकि स्कूल खुलने के बाद छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। अपने पेन पेंसिल कॉपी किताब आदि किसी से भी साझा नहीं कर पाएंगे। लैब प्रैक्टिकल क्लासेज अभी नहीं होंगी। स्कूल में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मास्क लगाकर स्कूल परिसर में छात्रों को रहने की अनुमति दी जाएगी और सैनिटाइजर साथ में रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही स्कूल परिसर को कई बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। हालांकि एक छात्र को केवल 2 दिन ही स्कूल जाने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मेट्रो समेत विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना मेट्रो रेल परियोजना के अलावा स्वास्थ्य पथ निर्माण, जल संसाधन परिवहन, वन एवं पर्यावरण और सहकारिता विभाग के अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आपको बता दें, मेट्रो के अलावा नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत 2,814.47 करोड़ की लागत से बिहार में 77 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल कटिहार में 22.67 करोड़ की लागत से 100 बेड का नया भवन, दरभंगा में 45.00 करोड़ की लागत से नया सदर अस्पताल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। बिहार सरकार ने आरटीपीसीआर जांच को 1500 रुपए में करने का किया ऐलान। पटना हाईकोर्ट में कोविड-19 को लेकर दायर 7 लोकहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करवाई गई है। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य में महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच के शुल्क में कमी लाने का फैसला किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2500 के बदले 1500 शुल्क किए जाने के बारे में 1 से 2 दिन के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटीपीसीआर मशीनें होंगी। अब यूपी बिहार के बीच चलेंगे 166 बसें। यूपी से बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश रोडवेज और बिहार परिवहन मिलाकर दोनों राज्यों के बीच बसें चलाने जा रहे हैं। बिहार में 97 बसों का तो उत्तर प्रदेश में 69 बसों का संचालन होगा। अब से उत्तर प्रदेश में 25 शहरों से बिहार के अलग अलग जनपदों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। सितंबर 2019 में हुए समझौते के मुताबिक मार्च 2020 में बिहार परिवहन निगम को पत्र भेजकर बस संचालन की तारीख तय करनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बात नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए दोनों राज्यों के बीच बैठक की तारीख तय होनी है। इसके लिए एक पत्र बिहार परिवहन को भेज दिया गया। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,71,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1609 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,71,465 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 76, अरवल में 9, औरंगाबाद में 25, बांका में 28, बेगूसराय में 51, भागलपुर में 24, भोजपुर में 17, बक्सर में 31, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 27, गोपालगंज में 42, जमुई में 31, जहानाबाद में 22, कैमूर में 17, कटिहार में 42, खगड़िया में 8, किशनगंज में 28, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 49, मधुबनी में 44, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 110, नालंदा में 59, नवादा में 22, पटना में 202, पूर्णिया में 118 और रोहतास में 135, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 19, सारण में 38, शेखपुरा में 21, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 27, सुपौल में 51, वैशाली में 21, पश्चिम चंपारण में 42। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,57,056 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 873 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों को दी राहत। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर की पहचान लीची को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया है। इससे लीची किसानों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई तरह की रियायत देने के साथ फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं बिहार से लीची के अलावा केला, अमरूद, आम, अनानास, भिंडी, बैंगन, टमाटर, खीरा, लाल मिर्च, फूलगोभी, गाजर और बीन्स को ऑपरेशन ग्रीन में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आलू, प्याज और टमाटर की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। इसके इन फलों और सब्जियों की पैदावार, मार्केटिंग, स्टॉक और कीमत को काबू करने में सरकार के स्तर पर किसानों की मदद की जा सकेगी। 10 साल से सरीम का वीडियो आनंद कुमार ने किया शेयर। 10 साल के उम्र में सरीम खान के अंदर फिजिक्स को समझने की क्षमता अद्भुत है। सरीम अभी कक्षा 5 में पढ़ते हैं, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस लेवल के फिजिक्स के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं, जिसके मुरीद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी हो गए। और यही कारण है कि उन्होंने सरीम के एक वीडियो को भी शेयर किया है। यूपी के औराई गाँव के सरीम का फिजिक्स से प्रेम और विषय को समझने की क्षमता दिखती है। आपको बता दें, सरीम के पिता का कहना है कि उनके बेटे में शुरू से ही बहुत फास्ट लर्निंग की ताकत है।
शारीरिक शिक्षक और एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जदयू ऑफिस के बाहर किया विरोध। शारीरिक शिक्षकों और एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जदयू कार्यालय के बाहर बीते दिन अपना विरोध प्रकट किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में एक बार फिर से शारीरिक शिक्षकों और एसटीईटी अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आए हैं। शिक्षकों और एसटीईटी अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए खूब नारेबाजी भी की है। मामला हाथ से निकलता देख शारीरिक शिक्षकों और एसटीईटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटा दिया था। इन लोगों की मांग है कि कई सालों से सभी शिक्षकों की नियुक्ति को सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आज ही के दिन यानी कि 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को उनके लेखनीय काम के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वहीं उसी साल उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने गए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के ईवीएम का डिस्प्ले होगा कुछ खास। बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का इस बार मतदाता आकर्षक रूप में देखने वाले हैं, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। ईवीएम में परेशानी ज्यादातर चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नई मशीनों में इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले से ही काफी हल्की हो गई है और यही कारण है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कर्मचारियों को काफी सुविधा होने वाली और वीवीपैट मशीन में पहले की तुलना में अब बैटरी की क्षमता बढ़ गई है, जिससे उनका बैकअप भी ज्यादा होगा। हालांकि नई मशीन में बैटरी की कितनी खपत हो रही है इसकी जानकारी ईवीएम के डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी। बिहार के 3 आईपीएस अधिकारी समेत 2 जिलों के एसपी का हुआ तबादला। बिहार में बीते दिन फिर से बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। बिहार में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मधेपुरा से एसपी संजय कुमार को पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा बनाया गया है। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अशोक कुमार प्रसाद को पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार और दूसरों की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान उक्त आदेश जारी किया है। हालांकि अगली सुनवाई में फिर से जानकारी पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवारों इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। ऐसे में इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है। बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश की जताई गई संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में कई जिलों में आने वाले 48 घंटों में बारिश होने की पूरी संभावना बनती देखी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, जिस कारण एक बार फिर से बिहार में मॉनसूनी सिस्टम ही बनता दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी चुनाव में शुक्रवार तक बारिश में तेजी आ सकती है। चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बन रहा है। मॉनसून ट्रफ लाइन का भी पूर्वी भाग उत्तर बिहार में होकर गुजरने की संभावना। अनलॉक उल्लंघन मामले में बिहार पुलिस ने की करोड़ों की वसूली। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 4 को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को वाहन चेकिंग मुहिम चलाने का निर्देश जारी कर दिया था। 1 सितंबर से अब तक कुल मिलाकर 16 मामले भी दर्ज किए जा चुके, साथ ही 58 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। बिहार पुलिस मुख्यालय के जितेंद्र कुमार की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार पूरे बिहार में 1 सितंबर से अब तक कुल मिलाकर बिना मास्क वाले 109,925 लोगों पर सख्ती से पेश आया गया। वहीं अब तक 54,96,250 फाइन के रूप में वसूले जा चुके हैं। वहीं कुल मिलाकर 3,30,25,250 नियमों का पालन नहीं करने वालों से वसूले गए हैं। बिहार में दाखिला खारिज के 2.35 लाख आवेदन लंबित। आरटीपीएस के तहत ऑनलाइन दाखिल खारिज के निपटारे की समय सीमा 35 दिन के लिए निर्धारित है, मगर पूरे राज्य में करीब 6 महीने से 2.35 लाख दाखिला खारिज के मामले अटके पड़े हैं। इन मामलों को तुरंत निपटाने का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव श्यामलाल किशोर पाठक ने दे दिया है। उन्हें प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। आवेदकों को पहले तो वेरिफिकेशन के नाम पर दौड़ाया गया था, उसके बाद अंचल कार्यालय में लॉकडाउन का बहाना बनाकर काम को रोक लिया गया था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ने सरकार से इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। डीजीपी के वीआरएस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साझा की गई जानकारी के अनुसार इस बात की चर्चा है कि गुप्तेश्वर पांडे इसके बाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने कार्यकाल के पूरा होने के लगभग 5 महीने पहले ही पद से वीआरएस ले लिया है।
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में हरिवंश प्रसाद सिंह ने की बिहार की चर्चा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश प्रसाद सिंह ने 20 सितंबर को कृषि विधेयक के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा सदन में किए गए व्यवहार के खिलाफ 24 घंटे के लिए मंगलवार को उपवास रखा था। उन्होंने राष्ट्रपति को एक भावुक पत्र में लिखा था, उसमें उन्होंने अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। उनके इस पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया था। उन्होंने हरिवंश के पत्र को प्रेरित बताते हुए उनकी प्रशंसा की, साथ ही देशवासियों से पत्र को पढ़ने का आग्रह भी किया। उन्होंने लिखा है कि हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा है उसे मैंने पढ़ा। पत्र में एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिलाया। इसके साथ ही उपसभापति हरिवंश ने पूरे लेटर में बिहार की धरती के शिद्दत के साथ चर्चा भी की है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को याद किया, साथ ही अपने पत्र में रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी लिखी। शिक्षक दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 2 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 2 शिक्षकों को बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और प्रधान सचिव संजय कुमार ने बीते दिन सम्मानित किया है। सचिवालय में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षक अखिलेश्वर पाठक प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय करौली एवं संत कुमार साहनी प्रधान शिक्षक उत्क्रमित उच्च विद्यालय बीरपुर को सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी दोनों शिक्षकों को पुरस्कार राशि के रूप में 30,000 की राशि प्रदान की गई थी। आपको बता दें, इससे पहले भारत सरकार की तरफ से इन्हीं दोनों शिक्षकों को 50,000 रुपए की राशि भी पुरस्कृत की गई थी। पटना मेट्रो रेल का काम हुआ शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत के बाद पटना मेट्रो रेल परियोजना का काम 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, पटना मेट्रो में 2 कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर 1 के तहत दानापुर मीठापुर खेमनीचक होंगे, जिसकी कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर होगी। इसमें 7.393 किलोमीटर ऊपरीगामी और 10.54 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो लाइन होगी। वहीं कॉरिडोर 2 के तहत पटना रेलवे स्टेशन गांधी मैदान पाटलिपुत्र बस टर्मिनल होगा। कॉरिडोर 1 में कुल मिलाकर 14 स्टेशन होंगे, इसमें से 2 में से 12 स्टेशन होंगे। इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में डिपो का निर्माण भी करवाया जाएगा, जो कि 3 साल में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की तरफ से अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर एनडीए सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिल जिस हड़बड़ी में पास किया गया है, वैसे में इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एनडीए सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दी है। जितनी हड़बड़ी में इस बिल को पास किया गया है, इससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। इस सरकार ने किसान को और किसान की जान की रत्ती भर परवाह नहीं है। 27 को होने वाले जेईई एडवांस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। 27 सितंबर को जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन विभिन्न केंद्रों पर करवाना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जेईई एडवांस के आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई संगठन के PRO सतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार जेईई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से परीक्षा का आयोजन देरी से हुआ है। देश भर में 1 नवंबर से शुरू की जाएगी ग्रेजुएशन की पढ़ाई। शिक्षा व्यवस्था के पहिए पर लगा ब्रेक अब धीरे धीरे खुलने लगा है। अनलॉक 4 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 1 नवंबर से देश भर में ग्रेजुएशन की कक्षाएं शुरू करवा दी जाएंगी। मंत्रालय के आदेश के बाद न्यू कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें क्लासेस के शेड्यूल को बताया गया है, जिसके तहत 31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 1 नवंबर से ग्रेजुएशन की क्लास शुरू हो जाएगी। 1 मार्च से 7 मार्च तक के लिए प्रिपरेशन ब्रेक दिया जाएगा। 8 मार्च से 26 मार्च के बीच सेमेस्टर का एग्जाम होगा। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। 4 अप्रैल से दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा ली जाएगी। सोनू सूद को फिल्म के पोस्टर से हटाने के पीछे की बताई गई वजह। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने नेपोटिज्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने भी पक्षपात का सामना किया है। उन्होंने फिल्म के पोस्टर से हटा दिया गया था। सोनू सूद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं फिल्मी फैमिली से नहीं हूं। जो मैंने इंडस्ट्री में प्रवेश किया, ऐसी कई फिल्में थी जिनके पोस्टर्स में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मुझे हटा दिया गया। ऐसे में सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं पोस्टर पर नहीं होने और रोल में कटौती के बारे में शिकायत कर सकता था, या फिर कड़ी मेहनत करके मैं इस योग्य बन जाऊं कि लोग कहें कि मैं पोस्टर में होने का हकदार हूं। उन्होंने आगे कहा कि जिसके पास पावर होती है, वो हमेशा इसका इस्तेमाल करेगा, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर कोई और दुनिया। फेसबुक यूजर पोस्ट करने से पहले रखे कुछ खास बातों का ध्यान। फेसबुक यूजर को पोस्ट करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। फेसबुक पर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कहा है कि उसकी तरफ से उन फेसबुक ग्रुप पर और पेज को बंद कर दिया जा रहा है जो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं, साथ ही कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 की भविष्यवाणी करने वाले फेसबुक ग्रुप और पेज को भी बंद किया जा रहा है।
24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शिक्षकों और स्नातकों को संबोधित। 24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम के जरिए बिहार के शिक्षकों और स्नातकों को संबोधित करने का फैसला सुनाया है। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री की इस वर्चुअल सभा का सीधा प्रसारण बिहार भाजपा के यूट्यूब और फेसबुक पेज के जरिए भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद एक शिक्षक रह चुके हैं। इसके अलावा वो बिहार की जरूरतों से भी वाकिफ है। यह कार्यक्रम विधान परिषद स्नातक और शिक्षक चुनाव को देखते हुए आयोजित किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जलंधर शेखर, जयशंकर कुमार, रवि रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में 28 सितंबर से 9वीं कक्षा से स्कूल खोलने का फैसले पे आपकी राय क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।